होम डेकोरेशन के लिए होम डेकोरेट बाइसी का पूर्व मंत्री ने फीता काटकर किया भव्य शुभारंभ, जहां एक छत के नीचे मिलेगी घर को डेकोरेशन करने का सामान। बाइसी थाना के बाइसी हाई स्कूल गेट के पास पहली बार घर का डेकोरेशन करने के लिए होम डेकोरेट बाइसी का पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान एवं प्रोपराइटर आताब आलम एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया गया, जहां एक छत के नीचे मिलेगी घर को लग्जरी एवं सुंदर डेकोरेशन के लिए एक से बढ़कर एक सामान, जैसे पीवीसी पैनल, चारकोल पैनल, फ्लूटेड पैनल, यूवी सीट, पॉलीग्रेनेट सीट आदि। वही मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने कहा कि आज किसी भी घर को डेकोरेशन के लिए काफी मांगे मांगे टाइल्स या फिर कई प्रकार के सामान का प्रयोग करते हैं, लेकिन होम डेकोर बाइसी में जो सामान उपलब्ध कराया गया है, इससे कम खर्च में लग्जरी रूम डेकोरेशन हो जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब, एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष नदीम अख्तर, चोपड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया जावेद इकबाल, बुता पंचायत के मुखिया सबनूर आलम, शमशीर आलम, समीम अख्तर आदि के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज बायसी के सरजमीन पर एक दुकान का भव्य शुभारंभ हुई है, जहां पर होम डेकोरेशन के लिए कई प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बढ़ते कदम को देखते हुए? आज बायसी में पहली दुकान के उद्घाटन हुआ है। जनाब सबनूर साहब मुखिया सादीपुर बुता, वो अपने लड़के को यहाँ पर इस दुकान को सजा के दिया है। और इस दुकान का इसलिए जो है आज ये नई बात है कि घर सजाने के लिए बहुत तरह का सामान हुआ करता था, टाइल्स होता था, मार्बल होता था, पेपर होता था, पेपर वॉल पेपर, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिससे घर सजाने में बहुत कम टाइम लगता है और ये टूट ये नहीं होता है, ये वाटरप्रूफ भी है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत चीप भी है, बहुत सस्ता भी है। तो ये होम डेकोरेट के नाम पर ये दुकान भी है बाजू में, जिसको हम लोग घर सजाने का काम इससे लेना है हमको, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अजूबा चीज़ है बाइसी के लिए, बहुत हमारे हिसाब से बहुत चलेगा। शायद हम कर्जा ऋण लेकर के हम पहली बार ये कुछ लगाएंगे इसको इंशाल्लाह, तो फाइनेंशियल भी तैयार हो गया है, लेकिन बहुत कम पैसा में ये काम हो जाएगा। बहुत सीलिंग कराइए, दीवार कराइए, जमीन में भी जो हम लोग बैठे हुए हैं ये जमीन में भी लगाने का है। ये सबनूर साहब बहुत दिनों से सोच रहे थे कि क्या करें, लेकिन ये जो काम किया है ये बहुत ही नायाब काम है, बहुत ही एक अजूबा काम है और बहुत ही खूबसूरत काम है। इंशाल्लाह ये काम बाइसी इलाके में छा जाएगा और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब बाइसी में इस तरह की दुकान का ओपनिंग किए हैं जो बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, क्या कुछ लोगों के लिए सामान उपलब्ध करा रहे हैं और क्या लगता है कि बाइसी में इस तरह की दुकान चल पाएगी? देखिए, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि दुकान करूँ, तो ऐसा एक नया दुकान जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले और कम पैसे में घर सज जाएँ। लोग टाइल्स लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, अब बहुत तरह का लगाते हैं, उसमें बहुत कॉस्ट पड़ता है, बहुत खर्च आता है, इसलिए हमने बहुत इसको बंधन करके दोनों बच्चे को हम करके दिए हैं। ये पीवीसी टाइल्स बोलता है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे पॉली ग्रेनाइट बोलता है इसको। हाँ, तो ये बहुत कम पैसे में, अगर मान ले 1 लाख में अगर वो होता है तो ये जो सीधे 50,000 में आपका घर सज जाएगा इसको। अच्छा, आपके पीछे जो दीवार दिख रहा है, क्या ये डेकोरेट उसी चीज से किया हुआ है क्या? जी जी, थोड़ा दिखा दीजिए जी। ये जो लगा हुआ है आप जो देख रहे हैं ये उसी चीज से है, इसको आप कितना ताकत से मारिएगा तो ये आपको टूटने का कोई बात नहीं है। अच्छा, ना इसमें क्रेच आएगा, अब अगर आप जानबूझ के अगर क्रेच कीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन ये क्रेच वगैरह भी नहीं आएगा, अन्ना टूटेगा, कोर भी नहीं इसका टूटेगा, तो कोर भी इसको पंचिंग देखिए आप यहाँ आइए, ये जो खंबा बनाया गया है इस कोर को देखिए, इसको पैक कर दिया गया है, ये टूटने का और कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये हर तरह से और सस्ता है। अच्छा, आग और पानी किस तरह से असर करता है इसमें? आप हमने इसमें सलाई का तीली जला के भी देखा है, इसमें आपका दाग भी नहीं आता, धुआं का दाग आएगा लेकिन जलेगा नहीं, जलने का कोई सवाल नहीं, ना पानी बर्बाद करेगा ना आग बर्बाद करेगा, तो किसी से नहीं कोई मतलब नहीं है।
और क्यों का क्यों का रंग कोई डिस्कलर नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं आज, ये इंशाल्लाह ये 10-20 साल ऐसे ही रहे। अच्छा, एक रूम को सजाने के लिए जहाँ टाइल्स की काफ़ी कॉस्ट पड़ती है, उससे बनिस्बत इसमें किस तरह का कॉस्ट? देखिए, आप अगर 10x10 का रूम है मान लीजिए, कितना पड़ेगा? 30-35 हज़ार तक आपको पड़ेगा। अब सीलिंग अगर कीजिएगा तो उसमें और दो जोड़ लीजिए 20-25 हज़ार तक। टाइल से आपका 50-60 हज़ार में अपना पूरा रूम ऊपर से नीचे, सीलिंग से लेके और नीचा तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जगह है ये? ये बाईसी हाई स्कूल का मार्केट है, इसको पूरब चौक बोलते हैं। ये पूरब चौक पे ये दुकान खुली है। प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर मेरा लड़का छोटा आफ्ताब आलम है और उसका सहयोगी मेरा बड़ा लड़का है। हाँ, और हम तो है ये हैं। ठीक, आज ये यहाँ पे होम डेकोर बाईसी का उद्घाटन हुआ है, मौके पर पहुँचे हैं, क्या कुछ सामान उपलब्ध है लोगों के लिए? ये आज ये हाई स्कूल के मार्केट में क्या तनूर साहब होता, क्योंकि मेरे चाचा भी हैं, मेरा चाचा जान भाई इस काम को संभालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि बाईसी में ये बिल्कुल नया और अजूबा काम वाकई में है, क्योंकि इस तरह का जो काम था अभी बाईसी में था नहीं। और हालांकि हमारे इधर जो बिल्डिंग तरह तरह के जो लोग बना रहा है और सब कोई अपने घर को सजाना चाहता है, ऐसे वक्त में ऐसे काम को बाईसी के प्रांगण में लाना कहीं ना कहीं ये एक लोगों के लिए सुनहरा सपना से कम नहीं है। क्योंकि ये काम को डेकोरेट कराने में कम से कम ज्वाइंट में घर डेकोरेट होगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। और ये टाइल्स वगैरह नहीं है, ब्रेकेज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सामान वगैरह टकरा जाए घर में या कोई लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कोई सड़ भी जाए तो इससे जैसे टाइल्स वगैरह या मार्बल वगैरह करेक्ट कर जाता था, टूट जाता था, इस तरह की परेशानी का भी लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। खास करके पिलर वगैरह जो घर को डेकोरेट करता था उससे कोना वगैरह कॉर्नर वगैरह टूट जाता था, लेकिन इस तरह की समस्या भी लोगों को निजात मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये टार्बल और मार्बल से बहुत सस्ता भी पड़ेगा, इसलिए मैं तमाम तर लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि एक बार यहाँ हाई स्कूल के प्रांगण में आकर के इस दुकान के डेकोरेशन को देखें और इसको देखते हुए अपने घर के डेकोरेशन का जो प्लानिंग है यहाँ के अनुसार कराएं, और बेहद ही सस्ता और बेहद ही कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि जिसको भी डेकोरेशन करना है एक बार यहाँ पे, चाहे वो फ्लोर का मामला हो या वॉल का मामला हो या किचन डेकोरेशन का मामला हो, सब तरह के मामले से जुड़े लोग जो भी आगे जो किचन का या घर का प्लानिंग कर रहे हैं एक बार इस दुकान पे जरूर आएं। यहाँ पे सद्दाम साहब, मातान साहब जो है इस दुकान को संभाल रहे हैं और आपके माध्यम से जो नंबर है या दुकान का नाम है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसलिए फिर मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा लोगों से कि एक बार ऐसे दुकान में आकर के तब घर का डेकोरेशन का प्लानिंग करें ताकि घर आपका सुंदर भी हो और लंबा लाइफ भी आपकी दुकान का रहे। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया। बाईसी जैसे इलाके में इस तरह का दुकान का ग्रैंड ओपनिंग किए हैं, कैसे आपका दिमाग में आया कि बाईसी जैसे एरिया में इस तरह की दुकान चल पाएगी? देखिए, हमारे यहाँ के लोग हैं, बहुत शौकीन लोग हैं, सब अपना घर बनाते हैं, सबका पोर्टलिंग वगैरह का काम कराते हैं, क्योंकि पोर्टलिंग जो होता है हमारा बहुत महंगा पड़ता है। अब के जैसे आप ये पोर्टलिंग देख सकते हैं, हमारा पोर्टलिंग इसको बोलते हैं, आपका वो पोर्टलिंग 40 हज़ार का पड़ता है, पोर्टलिंग आपको 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार में तैयार हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका एरिया कितना एरिया, जैसे आप 10x10 का कम भी एवरेज एरिया 10x10 का आपको वो 40 से 45 हज़ार रुपये पड़ता है, मेरा यहाँ आपका 12 से 15 हज़ार तैयार हो जाएगा। ये पूरा रूम जो सजा हुआ है, क्या ये सामान आपकी दुकान में ही उपलब्ध होगी? हाँ, ये सारा सामान मेरे दुकान में अवेलेबल है, सारा चीज़ हम उपलब्ध कराते हैं। और आपको घर सजाना हो, कंप्लीट सजाना, घर का काम हो, इंटीरियर वगैरह सारा काम करवाना है। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। फाइन मेटल वर्क, किसी भी तरह का LED लाइट, मेटल बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, न्यून बोर्ड, ACP डेकोरेशन आदि बनाने के लिए आज ही हमारे दुकान में आए। पता फाइन मेटल वर्क, आश्रम पारा मोड़, नियर पेट्रोल पंप, इस्लामपुर। मोबाइल नंबर 80-76-96-46-64। दूसरा मोबाइल नंबर 99-71-13-60-10।